एक बार एक राजा ने एक महान दान यज्ञ का योजना किया, जिसमें उसने गरीबों को बहुत बड़े उपहार दिए। सभी लोग राजा के इस महान दान की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन तभी एक गरीब ब्राह्मण वहां आया और उसने कहा कि यह दान सबसे बड़ा नहीं है। ब्राह्मण ने बताया कि एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत गरीब थे और जीवन यापन के लिए उपदेश के बदले में मिलने वाले दान पर निर्भर रहते थे। एक बार गांव में 3 साल का अकाल पड़ा और ब्राह्मण के परिवार का निर्वाह होना बहुत कठिन हो गया। आखिरकार ब्राह्मण बड़े मुश्किल से जौ का आटा लेकर आया और परिवार ने इसे 4 रोटी बनाई। तभी एक अतिथि दरवाजे पर आया और उसने भोजन की मांग की। ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी अतिथि को दे दी। अतिथि ने फिर से रोटी की मांग की तो ब्राह्मण की पुत्री, बेटे और बहू ने भी अपने हिस्से की रोटी अतिथि को दे दी। अतिथि संतुष्ट होकर चला गया, लेकिन ब्राह्मण का परिवार भूख से मर गया। इस घटना के बाद एक नेवला वहां आया और उसने कहा कि यह दान सच्चा दान था, क्योंकि ब्राह्मण के परिवार ने अपनी जान की परवाह किए बिना अतिथि को भोजन दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर से इसी तरह के अगली वीडियो के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।